नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। अक्सर आप देखते हैं कि आँखों की प्रॉब्लम जब भी होती है हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हम सोच नहीं पाते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारी आँखें स्वस्थ न हों तो कैसे हम जीवन का गुजारा करेंगे या फिर हर एक काम के लिए मोहताज हो जाएंगे किसी पर। ऐसा ही अक्सर होता है कि जब हम बुढ़ापे में होते हैं और हमारी आँखों पे मोतियाबिंद हो जाए या कोई भी अन्य बीमारी हो जाए, हमें समझ में नहीं आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, कुछ एक चीज़ें नेचुरल होती हैं, लेकिन अगर आप अपने खान पान को बैलेंस रखते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसीलिए हमारा खान पान जो होना चाहिए वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम शुद्ध और सात्विक चीज़ें खाएंगे, उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे हमारे स्वस्थ रहने के। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में किन चीज़ों की मात्रा कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। तो जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे पहले बात जानने वाली है कि उनको हरी साग सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आज मैं एक और विशेष नुस्खा बताऊंगा जिसके सहारे आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है कि आप अपने खान पान को ज़रूर कंट्रोल करें, शरीर को, तभी आप स्वस्थ रख पाएंगे। हरी साग सब्जियों को खाने में ज़रूर शामिल करें, खास करके आँखों के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, इसके अलावा विटामिन ई ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों यानी कि ये एलिमेंट्स जिस भी खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं उसका सेवन ज़रूर करें। और ख़ास करके हम बार बार कह रहे हैं कि आप हरी साग सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। लेकिन हरी साग सब्जियों के साथ एक औषधि है जिसका प्रयोग करते हैं आप, तो आपको आँखों की बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे मोतियाबिंद वगैरह आपको अगर कम दिखता है या धुंधलापन आने लगा है तो वो दूर हो जाएगा। इसके लिए औषधि है दोस्तों, देसी घी लीजिए आप और उसमें मसूर की दाल चाहिए होगी आपको। करना क्या है आपको कि मसूर की दाल को पहले भिंगो करके रख दीजिए। इसके बाद जब ये फूल जाए तो इसे निकालिए और इसको कढ़ाई में या फिर तवे पर घी में भून लीजिए। अच्छे से सौंधी खुशबू आने तक इसको भून लीजिए। अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसमें आप हल्का नमक या मीठा डाल सकते हैं। इसके बाद इसका सेवन कीजिए। ध्यान रखना है आपको कि आप अगर सुबह सुबह लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि कोई भी चीज़, खाने पीने की जो चीज़ अच्छी होती है वो सुबह नाश्ते में लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा शरीर पर असर पड़ता है। इसकी वजह ये है कि हम खाना रात को जब भी यानी कि डिनर करते हैं तो इसके बाद हमारा पेट जो है उसको सबसे लंबा गैप मिलता है फिर से पुनः खाना मिलने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में हमारे पेट की क्लीनिंग हो गई रहती है, सफाई हो गई रहती है, जिसकी वजह से नाश्ते में जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें वो बेहद फ़ायदा करता है। तो इस नुस्खे को आपको अपनाना है, मसूर की दाल को भूनना है घी में और इसको हर रोज़ खाना है। दिन में 2 से 4 चम्मच आप खा सकते हैं, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा भी आप इसका प्रयोग एक अन्य ढंग से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कि हैं ऐसे जो घी में भून करके इसका प्रयोग न कर पाएँ, तो आप पालक लाएँ, पालक के साग में मसूर की दाल डाल दें। पालक का साग जब भी बनाएं तो उसमें मसूर की दाल डाल दें और इसको अच्छे से बनाएं और इसका सेवन आप करें। सप्ताह में 2 से 3 दिन आप बनाएं। अगर आँखों की प्रॉब्लम हो गई है तो कम से कम 2 से 3 दिन आप बनाएं। अन्य दिनों में और चीज़ें ले सकते हैं, करेला वगैरह, ये भी शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये तो अलग अलग हमने अपने ही एपिसोड्स में बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है तो किन प्रकार की चीज़ों को खाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप स्वस्थ भी हैं तो भी आपकी डाइट बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें निरंतर। तो आप इस मसूर की दाल को पालक की साग में डाल करके बना लीजिए और इसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ एक दिनों में आपकी आँखों की जो रोशनी छीण होती जा रही थी वो कंट्रोल हो जाएगी, आपकी आँखें सुचारू ढंग से काम करने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि ऑफिस में या कहीं भी मोबाइल फोन्स स्क्रीन्स देखने की आजकल हमारी युवाओं की खास करके आदत ज़्यादा हो गई है, तो आप हर आधे घंटे के बाद आँखों को 2-4 मिनट का रेस्ट जरूर दें। आँखों को बंद करके रखें पलकों को। इसके अलावा आँखों पर पानी मारें,
पानी के छींटे मारे आँखों पर, इससे आपकी आँखों को रिलैक्स फील होगा। किसी भी चीज़ को आप निरंतर कार्य में लाते हैं तो वो उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको ये करना होगा। इसके अलावा इस डाइट का आप प्रयोग करें, आपको फ़ायदा होगा, आपकी आँख स्वस्थ रहेगी, जिसकी बदौलत आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी पाएंगे। हमारा प्रयास होता है दोस्तों कि आप सभी को वो सारी जानकारियाँ एकत्रित करके सही जानकारी दें, जिसकी बदौलत आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हो सकता है कि हर रोज़ हम लोग ये चीज़ें नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम जानें, क्योंकि हमारा बैलेंस डाइट होना, क्योंकि हमारी डाइट का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है लाइफ में। नहीं तो खाने को तो हम बहुत चीज़ें खाते रहते हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, बस उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, और कब करना है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। कि हम मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उस टाइम पे हमारे लिए करेली बहुत अच्छी सब्ज़ी हो जाती है, या फिर आप ऐसे ही अन्य हमने बताया हुआ है, लेकिन वहीं आलू उस टाइम पे लॉस देने वाला हो जाता है। ठीक वैसे ही हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स में बताया हुआ है, आँखों की प्रॉब्लम है तो जैसे अभी हमने बताया कि आप पालक का सेवन कीजिए, और अगर आप हर तरीके से स्वस्थ हैं तो इन सारी चीज़ों को सप्ताह में यानी कि वीकली डिवाइड करके खाइए। हर एक फल को आप एक ही तरह के फल को निरंतर खाएंगे, लगातार खाएंगे, तो आपको फिर वो लॉस होने लग तो आपको फिर उसका लॉस होने लग जाएगा फ़ायदे की जगह। इसलिए किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, हमारे शरीर में बैलेंस होनी चाहिए सारी चीज़ें, जिसके बदौलत हम स्वस्थ रख सकते हैं, जिसकी बदौलत हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों। अगले अंक में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।